देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए अपने अंतरिम बजट में 6000 रुपए देने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार में बीते गुरुवार को एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़े सभी नियम दिए गए हैं। इस पोर्टल में ये भी बताया गया है कि कौन से किसान इस किसान योजना के दायरे में आएंगे और कौन से नहीं। सरकार की इस योजना को जल्दी लागू करने के लिए अलग अलग एजेंसियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि अब ये लोग बैंकों से 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना कुछ गिरवी रखे ले सकेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने इस बात का फैसला लेते हुए छोटे किसानों को राहत दी है। आपको बता दें कि किसानों को ये लोन बैंकों से केवल कृषि से संबंधित कार्यों के लिए मिलेगा। पहले इस तरह के लोन की सीमा 1,00,000 रुपए थी, जिसे RBI ने बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चिन्हित 4,57,516 लघु सीमांत किसानों के खाते में पहली किश्त के 2,000 रुपए भेजने के लिए लेखपालों से खाता और आधार नंबर मांगा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने लेखपालों को 11 फरवरी तक किसानों का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को ही ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। इससे खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के किसानों की मटर, आलू, सरसों की फसल को खासा नुकसान हुआ है। यही नहीं, गेहूं में भी उत्पादन कम होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निशान अहमद अंसारी ने बताया कि 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अगले 24 घंटे में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इस बार 4,70,684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले साल के बजट से 12% ज्यादा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के बजट में गौ कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए MSP से अधिक दाम देने का प्रावधान फिर से किया गया है। आपको बता दें कि यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हल्ला और चुलबुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।